सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंडम एक्सोन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक ड्रांजर वर्सेस एल-ड्रैगो। तो बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई इस पे तुम वीडियो बनाओ, तो बेसिकली उसी पे मैं आज वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार इंतजार क्यों कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेबी रिलेटेड कॉन्टेंट देखने को मिलते रहता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं L-Drago वर्सेस ब्लैक ड्रांजर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ही मतलब कर सकते हैं ब्लेड या फिर बिटबीस जो भी बोलो। तो बेसिकली इन दोनों के सबसे पहले एबिलिटीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा L-Drago के बारे में। तो L-Drago की अगर हम बात करें तो 3 बार इवॉल्व हुआ है, और लास्ट में इवॉल्व हुआ था L-Drago डिस्ट्रक्टर में। और बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं ये इवॉल्व इसलिए हुआ था क्योंकि कह सकते हैं एक लेजेंडरी स्टोन इसके अंदर आया था, और हम लोग को मेटल फ्यूरी में देखने को मिला था कि ये ब्लेड जो है इवॉल्व हुआ था L-Drago डिस्ट्रक्टर में। और बेसिकली जानते हैं सब लोग ओनर कौन है L-Drago का, वो है रयूगा। और रयूगा को यार सब जानते हैं क्या क्या उसने किया है। और बेसिकली अगर हम बात करें L-Drago के बारे में तो इसके बहुत सारे अल्टीमेट मूव है, लाइक L-Drago लाइफ डिस्ट्रक्टर, L-Drago अल्टीमेट मूव, और बहुत सारे मूव है यार, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर अगर आपने नहीं देखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें L-Drago के बारे में तो ये डार्क टाइप बेब्लेड है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं यार, आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इस बेब्लेड के साथ सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि आपको इस ब्लेड के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस ब्लेड को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको इस ब्लेड के साथ खुद मिलना पड़ेगा, ना कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और रयूगा जैसे कि आप जानते हैं सिंक करा था L-Drago से, और एक खासियत है इस बेब्लेड की कि अगर आपने एक बार इसके साथ सिंक कर लिया और अगर आप इसको कंट्रोल करने लगे और दोनों में कह सकते हैं एक बॉन्ड पैदा हो गया बेब्लेड और बेब्लेडर के बीच में, तो उसके बाद इतनी ताकत इसकी बढ़ती है यार, मतलब आप किसी से भी लड़ोगे क्या है अनलिमिटेड पावर आप अपने बेब्लेड में मतलब कर सकते हैं। अब जितना लड़ेंगे आप उतना ज़्यादा ताकतवर बनते जाएंगे, और कोई भी लिमिट नहीं है पावर की, आप चाहे जितनी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं ये एक लेफ्ट रोटेटिंग बेब्लेड है, और आप जानते हो रयूगा पावर को स्टिल भी करता है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा बेब्लेड है L-Drago। तो अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में। सुगज, अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हो ब्लैक ड्रॉन्जर एक ऐसा बेब्लेड है जिसको फिनिक्स की बलि चढ़ाकर बनाया गया था। आप कह सकते हैं यार कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉन्जर इज कॉल्ड ब्लैक ड्रॉन्जर, बहुत सारे ड्रॉन्जर को एक साथ करा गया, उसके बाद हम लोग को ब्लैक ड्रॉन्जर देखने को मिला। और यहाँ पे हम ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में बात करें तो उसकी फुल ताकत तो हम लोग को देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि काय ने इसको फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया था। और अगर अभी तक हम लोग बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो बेसिकली वो बिटबीस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं हो, चाहे जितने भी बिटबीस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जितने बार वो एब्जॉर्ब करेगा यार उतना ही ताकतवर बनते जाएगा। और अगर कोई बेब्लेडर कंट्रोल करता है ब्लैक ड्रॉन्जर को तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। उसके बाद जब बात करते हैं रियल चीज़ के बारे में, अगर इन दोनों की फ़ाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो यहाँ पर हम बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अनलिमिटेड बिटबीस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन L-Drago भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि L-Drago भले ही बिटबीस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता बट वो डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी बेब्लेड को उससे लड़ाओगे तो उस बेब्लेडर की वो ताकत को एब्जॉर्ब करता है, ना कि उस बिटबीस्ट को। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं यार एडवांटेज यहाँ पे ब्लैक ड्रॉन्जर को है, क्योंकि वह बिटबीस्ट को एब्जॉर्ब करता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर को अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है, और ब्लैक ड्रॉन्जर को जब तक कोई कंट्रोल करने वाला नहीं आएगा तब तक ब्लैक ड्रॉन्जर कुछ नहीं है। अगर यार साफ सी बात है, जब तक कोई बेब्लेडर उसको कंट्रोल नहीं करेगा या फिर ब्लैक ड्रॉन्जर को यूज़ नहीं करेगा तब तक ब्लैक ड्रॉन्जर कुछ नहीं है, एक मतलब कह सकते हैं यार खाली पत्थर है बस। और वहीं पे अगर हम बात करें L-Drago के बारे में, तो रयूगा जैसा बेब्लेडर है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लो यार ब्लैक ड्रॉन्जर को कंट्रोल कर भी लेता है, और अगर रियल फाइट होती है ब्लैक ड्रॉन्जर वर्सेस L-Drago में, तो यहाँ पे विनर मेरे ख्याल से यार देखो बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन विनर होगा, बट तब भी अगर मैं यहाँ पे अपनी राय दूँ तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि रयूगा ये बैटल हार जाएगा। अब देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए होंगे यार रयूगा कैसे हार सकता है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्यों हारेगा रयूगा।
सबसे पहले जब आपको याद होगा नेमेसिस वर्सेस रेयुगा की बैटल हुई थी, तो रेयुगा ने अकेले ही उसको इतनी तगड़ी टक्कर दी थी और कह सकते हैं नेमेसिस ने 10 लेजेंडरी ब्लेडर की ताकत को एब्जॉर्ब किया था और 10 लेजेंडरी ब्लेडर उसमें झिंगा था, किया था, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी ब्लेडर की ताकत को एब्जॉर्ब करा था और तब जाके वो रेयुगा को हरा पाया। नहीं तो यार रेयुगा तो कुछ नहीं था, मतलब रेयुगा उसको चुटकियों में हरा सकता था। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में, देखो यहाँ पे ब्लैक ड्रॉन्जर का एक चीज़ है, अगर ब्लैक ड्रॉन्जर, अब देखो यार ये थोड़ा सा आपको लगेगा क्या बंदा बोल रहा है, बट देखो यहाँ से थोड़ा बात समझने वाली है। अगर ब्लैक ड्रॉन्जर 10 से ज़्यादा बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करता है, या फिर कह सकते हैं 10 सबसे बेस्ट बिट बीस्ट और उसमें टायसन काय इन लोग का अगर बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करता है, और कह सकते हैं जितने भी बेस्ट बेब्लेडर लाइक ली हो गया हम लोग का, और भी जितने बेस्ट बेब्लेडर हम लोग को देखने को मिला, गारलैंड हो गया और ब्रुकलिन हो गया, अगर इन जैसे लोगों के बिट बीस्ट को वो एब्जॉर्ब करता है, तब मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रेयुगा हार जाएगा, क्योंकि रेयुगा 9 बेब्लेडर से अकेले लड़ सकता है। बट अगर यार पूरी फौज अपना दोगे 200-300 बिट बीस्ट को अगर यहाँ पे ब्लैक ड्रॉन्जर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई भी बंदा हार जाएगा यार वो, क्योंकि रेयुगा भी एक इंसान है। यहाँ पे एल ड्रैगो जीत भी सकता है, बट वो जीतेगा कब, जब ये एक शुरुआती स्टेज होगी, यानी कि मान लो यार ब्लैक ड्रॉन्जर अभी अभी मतलब कोई उसका बेब्लेडर यूज़ कर रहा है, तो जब तक वो बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा शुरू में, तब तक तो उसकी ताकत उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ब्लैक ड्रॉन्जर 100 या 200 बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया पहले से, तब वो एल ड्रैगो को हरा देगा, और अगर ब्लैक ड्रॉन्जर शुरू में मतलब अभी आज़ाद हुआ है और 2-3 बिट बीस्ट को अभी वो मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आसानी से तो नहीं कर सकता, बट हाँ इतना कर सकता हूँ एल ड्रैगो तब उसको हरा देगा। और अगर पहली फाइट अगर ब्लैक ड्रॉन्जर जब मान लो यार कोई बेब्लेडर उसको यूज़ कर रहा है पहली बार और तब बैटल होती है एल ड्रैगो से, तो वहाँ पे एल ड्रैगो ही जीत। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, और देखो यार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो जाते जाते बस इतना कर सकता हूँ, अगर ब्लैक ड्रॉन्जर अपनी इनिशियल स्टेज पर, या फिर कह सकते हो कि अभी अभी मतलब स्टार्ट अभी कोई बेब्लेडर उसको यूज़ करना स्टार्ट कराए और तब अगर उसकी बैटल होती है एल ड्रैगो से, तो वहाँ पे एल ड्रैगो या फिर कह सकते रेयुगा की विनिंग होगी, या फिर कह सकते रेयुगा वहाँ पे जीत जाएगा। और अगर ब्लैक ड्रॉन्जर पहले से ही 100-200 बेब्लेडर को बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब करके खड़ा है, तो वहाँ पे रेयुगा हार जाएगा। तो बस सर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी मैं ऑसम ऑसम वीडियोज़ आप लोग को रेगुलरली प्रोवाइड करते रहूँगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।